बैक ऑन अनदर अपडेट। और ये अपडेट हम लाए हैं योग नगरी ऋषिकेश से। ऋषिकेश में गंगा जी को पार करने के लिए 3 सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, जिसमें से सबसे नया है जानकी सेतु। जानकी सेतु से कुछ ही दूरी पर है एक और सस्पेंशन ब्रिज रामझूला, और रामझूला से कुछ ही दूरी पर है लक्ष्मण झूला। इन तीनों सस्पेंशन ब्रिजेस में से सबसे ज़्यादा बेहतर है जानकी सेतु, क्योंकि इस पर से आप पैदल और टू व्हीलर्स दोनों से जा सकते हैं। जानकी सेतु से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है 1986 में बना रामझूला, जिस पर से पहले पैदल व टू व्हीलर दोनों से ही जाया जा सकता था, लेकिन पुल की स्थिति खराब होने के कारण रामझूला को टू व्हीलर्स के लिए बंद कर दिया गया है। अब केवल पैदल ही इस पुल से जाया जा सकता है। और रामझूला से थोड़ी दूरी पर बना है लक्ष्मण झूला, जिसे 1929 में बनाया गया था। लक्ष्मण झूला की मियाद खत्म होने के कारण इसे 2020 में टू व्हीलर्स और पैदल दोनों के लिए ही बंद कर दिया गया था। और अब इसके बगल में कांच वाले नए सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है बजरंग सेतु। वीडियो प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जिस दिन हमने बजरंग सेतु का अपडेट बनाया, उसी दिन हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का शिवपुरी तक का अपडेट भी बनाया, जिसका वीडियो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खैर, बात कर लेते हैं ऋषिकेश के सस्पेंशन ब्रिजेस के बारे में। ऋषिकेश के तीनों सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक भी ऐसा नहीं है जिस पर से हैवी ट्रैफिक पास हो सके, जैसे कि बस, कार, ट्रक, जिसके लिए गरुड़ चट्टी में बना है आयरन ब्रिज। हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, ये हम मुड़ रहे हैं लेफ्ट साइड में, हम जा रहे हैं गरुड़ चट्टी की तरफ। यानी कि अगर आप ऋषिकेश में गंगा जी के एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहते हो, या कहें अगर टिहरी से पौड़ी की साइड जाना चाहते हो, तो आपके पास शुरू से लेकर एंड तक लगभग 4 ऑप्शन। पहला हो गया ऋषिकेश सिटी में एंटर होने से पहले ही बैराज से, यानी कि ऋषिकेश बैराज से ही आप नीलकंठ मार्ग पर चले जाएँ, ठीक है जी। दूसरा हो गया कि आप ऋषिकेश में एंटर होने के बाद जानकी सेतु को क्रॉस करें, और उसके बाद वहां से गंगा जी की दूसरी साइड चले जाएं। तीसरा हो गया रामझूला, जो आज की डेट में पैदल लोगों के लिए खुला हुआ है, यानी कि आप उससे गाड़ी या बाइक लेके नहीं जा सकते। गाड़ी तो कभी भी लेके नहीं जा सकते थे, बट बाइक भी लेके नहीं जा सकते। उसके बाद लक्ष्मण झूला बंद हो चुका है परमानेंटली, वहीं पे बनाया जा रहा है बजरंग सेतु। और उसके बाद अगला ऑप्शन है ये आपका गरुड़ चट्टी वाला सेतु या गरुड़ चट्टी ब्रिज, जो लोहे का ब्रिज है, आप सामने देख सकते हो। तो दोस्तों, ये है गरुड़ चट्टी में बना आयरन ब्रिज। इस आयरन ब्रिज की मदद से हैवी ट्रैफिक गंगा जी के एक पार से दूसरी पार जा पाता है। दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, उसको ऋषिकेश नीलकंठ रोड, जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो टिहरी और पौड़ी को कनेक्ट करने का भी काम ये पुल करता है। तो गाइस, ये हम कर चुके हैं गरुड़ चट्टी का ब्रिज पार। यहाँ से अगर लेफ्ट चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर, और हम मुड़ गए हैं राइट, क्योंकि हम जा रहे हैं बजरंग सेतु का अपडेट देखने के लिए। और यही रोड यहाँ से रामझूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु पर भी कनेक्ट होती है। तो दोस्तों, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है यहाँ से लक्ष्मण झूला, जिसको अब बंद किया जा चुका है, क्योंकि उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। और उसी के लेफ्ट साइड में बन रहा है एक नया पुल, जिसका नाम है बजरंग सेतु। तो दोस्तों, ये है बजरंग सेतु का टावर, जो कि लक्ष्मण झूला की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो लगभग बन के अब तैयार होने वाला है। और दोस्तों, ये है आइकॉनिक लक्ष्मण झूला ब्रिज, जो अपनी मियाद खत्म होने के कारण अब पूरी तरह बंद किया जा चुका है। दोस्तों, बजरंग सेतु का जैसा टावर गंगा जी के इस पार बन के रेडी होने वाला है, वैसा ही सेम टावर आप सामने भी देख सकते हो, अब तैयार होने वाला है। दोस्तों, ऋषिकेश में अब तक जितने भी सस्पेंशन ब्रिजेस बने हैं, चाहे वो रामझूला हो, लक्ष्मण झूला हो, या रिसेंटली बना जानकी सेतु, इन सब में से सबसे ज़्यादा आधुनिक होने वाला है ये बजरंग सेतु। रिपोर्ट के अनुसार पैदल चलने वालों के लिए इसका जो फ्लोर होगा वो कांच का होगा, साथ ही साथ एक लेन बनाई जाएगी इसमें, जिसमें से टू व्हीलर्स भी पास हो पाएंगे और शायद हल्के फोर व्हीलर्स भी। खैर, अब जानकी सेतु या बजरंग सेतु जितने भी आधुनिक हो, लेकिन जो थ्रिल इन पतले से रामझूला और लक्ष्मण झूला पर पैदल जाने में या बाइक से जाने में आता था, वो वही बता सकते हैं जिन्होंने इनकी मियाद रहते इन पर ट्रैवल कर लिया है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कमेंट करके जरूर बताना।
तो गरुड़ चट्टी को पार करके अब हम आ गए हैं जानकी सेतु पर, जो आज के डेट में ऋषिकेश के अंदर एक लोता सस्पेंशन ब्रिज है जिसके ऊपर पैदल और बाइक दोनों से ही जाया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ऋषिकेश शहर के बीचों बीच है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।